रोड ट्रिप जो आप लोग यूट्यूब में देखते हो और जा रहे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स जितने भी बाइक में ट्रिप करते हैं मुंबई करने के लिए, या फिर कोई भी आप ले लो जो बाइक से ट्रिप करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज रोड ट्रिप करना बाय बाइक स्पेशली बहुत ही डिफिकल्ट है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज है 2 तारीख और टाइम आ गया कि हम लोग पुणे के लिए गोवा से निकल जाए। सो टुडे वी आर लिविंग फॉर पुणे फ्रॉम गोवा एंड राइट नाउ इट्स 7 AM इन द मॉर्निंग। सो अभी 10-15 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे। मैं ऑलरेडी नहा के रेडी हो गया। सो यहाँ से पुणे फिर से वही 8.5-9 घंटे लगेंगे, तो बीच में 2-3 ब्रेक लेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर वॉशरूम बैग्स ब्रेक और लंच के लिए एक ब्रेक लेंगे। सो या फाइनली हम लोग का जो गोवा सफ़र था यहीं पे ख़त्म हो रहा है। सो जितने भी लोगों ने आप लोगों ने मतलब फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देखा है एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस एंड द व्लॉग्स दैट आई क्रिएटेड देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आप लोग को पता है कि कोविड फिर से बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो कितना फैल रहा है। कल भी महाराष्ट्र में न्यूज़ आया था कि मुंबई में सिर्फ 5,500 कोविड केसेस हुआ है। सो एवरीवेयर इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। भी एक टेंशन था हम लोगों की कहीं लॉकडाउन ना लग जाए या फिर यू नो रोड में कोई ब्लॉक और या फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लग जाए। तो हम लोग सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे पुणे के लिए। होपफुली विल रीच बाई 6 PM इन पुणे। तो ये अभी मॉर्निंग हो चुका है, दिस इज़ द लास्ट मॉर्निंग इन गोवा। गोवा वॉज वेरी नाइस एंड पीसफुल प्लेस, काफ़ी मज़ा आया हम लोग को। और अब मुझे पता है कि आप लोगों ने भी अपना न्यू ईयर अच्छे से मनाया होगा। सो दैट डे वी स्टार्टेड फ्रॉम गोवा एट 7:30 AM इन द मॉर्निंग एंड वी टुक द रोड वाया अम्बोली घाट। एंड इस बार हम लोग कर्नाटका से होते हुए नहीं पुणे आए थे, सो इट वॉज थ्रू महाराष्ट्र ओनली, महाराष्ट्र एंड गोवा बॉर्डर। सो बाकी लोगों को एक क्वेश्चन रहता है कि अगर आप गोवा से बाई कार ट्रेवल कर रहे हो इधर इन महाराष्ट्र और कर्नाटका एनी वेयर, सो आपको चेकिंग होता है क्या इफ़ यू कैन कैरी वाइन्स और यू नो बियर बॉटल्स विथ यू। तो चेकिंग होता है बट दैट डिपेंड्स ऑन अनसर्टेनिटी, सो दैट इज़ नॉट सर्टेन थिंग। हमारे टाइम पे चेकिंग नहीं हुआ था एंड हम लोग कोई बॉटल्स ला भी नहीं रहे थे, सो दैट वाज नॉट इन कंसर्न फॉर अस। बट अगर आपको जानना है कि चेकिंग होता है कि नहीं, दैट इज़ लाइक अनसर्टेन, आप कह नहीं सकते हो। कभी कभार चेक होता है, कभी कभार नहीं होता है। एंड दिस व्यू इज़ लाइक ऑसम अगेन। हम लोग जब गोवा गए थे पुणे से, तो हम लोग कर्नाटका होते हुए गए थे एंड वाइल रिटर्निंग वी केम वाया दिस अमेजिंग व्यू ऑफ द अम्बोली घाट। घाट्स थोड़ा सा शार्प है और टर्न्स बहुत ही ज़्यादा शार्प है, सो अगर आप इंटरमीडिएट ड्राइवर हो तो बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। रेस्ट ऑल इज़ गुड बिकॉज द रोड्स आर गुड एंड द व्यूज आर अमेजिंग। अभी हम लोग सतारा पहुंचने वाले और विल हैव अ लंच। इट्स ऑलमोस्ट 2 PM एंड विल हैव अ लंच एंड देन अगेन स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो हियर वी हैव केम फॉर आवर लंच। इट्स 2:20 PM वी स्टार्टेड फ्रॉम 7:30 इन द मॉर्निंग एंड हियर वी आर टू हैव आवर लंच। Almost 2 hours journey is left to Pune, so once we have our lunch, we'll again start for Pune और hopefully अभी कोई break नहीं लेंगे हम लोग, direct Pune पहुँच जाएंगे। So we have stopped over here in Satara for our lunch. It's
2:20 PM in the evening. So यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे की रास्ता है. एक बार यहाँ से लंच करेंगे और डायरेक्ट घूमने के लिए जाएंगे. वहाँ पर कोई ब्रेक नहीं लेंगे. सो पुणे पहुंच चुका हूं. और कल रात को ही मैं पुणे पहुंच चुका था. मॉर्निंग में हम लोग करीब 7:30 स्टार्ट किया था गोवा से फॉर पुणे, और आते आते हमें 6:45 हो गया था टू रिच पुणे. सो एक्चुअली हमें ऑलमोस्ट 10.5 hours लग गया, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था पुणे के. जस्ट 1.5 hours पहले हाईवे पूरा ब्लॉक था, पूरा बंद हो गया था हाईवे. सो हमें ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे, नहीं तो 9 hours में हम लोग पुणे पहुँच जाते. बट वहाँ पे 1.5 घंटा वेस्ट हो गया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. लेकिन इट वाज़ अ गुड राइड, बट बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए मैं रात को आके कोई वीडियो नहीं बना पाया. बट एक बात मैं कहना चाहूँगा कि रोड ट्रिप जो आप लोग यूट्यूब में देखते हो, और जो है यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स जितने भी बाइक में ट्रिप करते हैं मुंबई करने के लिए, या फिर कोई भी आप ले लो जो बाइक से ट्रिप करते हैं, हैड्स ऑफ टू देम. बिकॉज रोड ट्रिप करना बाई बाइक स्पेशली बहुत ही डिफ़िकल्ट है. मैं कार में ट्रेवल करके जो 10.5 hours 11 hours ड्राइव करके कंटिन्यूस में थक गया था. साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है. आपको कैमरा, GoPro और सारे भी एक्सेसरीज मेंटेन करना पड़ता है, और हर एक चीज़ आपको कैप्चर करना पड़ता है कैमरे में. सो दैट इज़ नॉट एन ईजी जॉब. सो हैड्स ऑफ टू देम ऑल द यूट्यूबर्स. ये लोग मेहनत करते हैं तभी ये लोग इतने हाइट पर पहुँच पाए हैं. अभी मैं बात करता हूँ कि RT-PCR या फिर कोई भी वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किया था कि नहीं. चेक तो नहीं हुआ था, लेकिन जब हम लोग गोवा जा रहे थे तब कर्नाटक बॉर्डर में हमें पूछा गया था गाड़ी रोक के कि वैक्सीन और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है कि नहीं. बट RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट शायद से मैंडेटरी नहीं था, बट वैक्सीन डबल वैक्सीन सर्टिफिकेट वॉज मैंडेटरी. बट उस किसी ने चेक नहीं किया. बट फिर भी हम लोग फॉर सेफ साइड हम लोग ने RT-PCR टेस्ट करा के फिर गए थे. और जब हम लोग कल पुणे में एंट्री कर रहे थे महाराष्ट्र बॉर्डर में, हमें पूछा गया कि डबल वैक्सीन सर्टिफिकेट है कि नहीं. दैट्स इट. बाकी किसी ने चेक नहीं किया कि मेरे पास है अभी कि नहीं है. बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि फॉर सेफर साइड आप RT-PCR या करा लो. अगर RT-PCR नहीं कराना चाहते हो तो वैक्सीन सर्टिफिकेट डबल वैक्सीन होना ही चाहिए. दूसरी चीज़ है कि जब आप इतना लॉन्ग ट्रैवल करते हो तो कई स्ट्रेचेज आता है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में होता है, और उसमें क्या होता है कि आप लोगों को कोई रेस्टोरेंट या फिर फूड कोर्ट नहीं मिलता है. सो दैट टाइम द ओनली ऑप्शन यू हैव इज़ दैट द फूड दैट यू कैरी.
So when you are traveling for a long journey, make sure that you carry your own foods like water, you know, banana, chips, biscuits वगैरह, क्योंकि आप बोल नहीं सकते हो रास्ते में आप कहाँ पे क्या होगा. So it's always better to keep, you know, things with you so that you don't stuck anywhere. उसके साथ साथ और एक टिप मैं दूंगा कि आपके जो स्टेपनी टायर है, जो एक्स्ट्रा टायर है, उसको भी आप इन्फ्लेट करा के लेके जाओ, क्योंकि आपका अगर इन बिटवीन द रोड्स आपका पंक्चर हो गया या फिर कोई भी इशू आ गया, सो दैट टाइम यू वोंट फाइंड यू नो टायर पंक्चर वाला नियर बाई. सो आप खुद के जो स्टेपनी है तो मेक श्योर दैट इज़ इन्फ्लेटेड और वो प्रॉपर कंडीशन में है. आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग्स एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन.